नमस्कार। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं इस वीडियो में, वो है शून्यक और गुणांकों में संबंध। मेरे पिछले वीडियो में आपने शून्यक और गुणांकों के बारे में जाना कि शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। यदि कोई बहुपद है ax2 + bx + c, तो देखिए ये जो पिंक कलर में मैंने लिखा है ए बी सी, यही है इसके गुणांक। और इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा और बीटा इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और कहा जाता है इनको अल्फा और बीटा। इनको आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं। देखो ये है अल्फा और बी की तरह, लेकिन बी से जैसे ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इसे कहा जाता है बीटा। तो इसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, याद रखना बच्चों। ए बी सी तो हो गए गुणांक, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और सी कांस्टेंट है। तो इसके दो शून्यक है यदि अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग। शून्य कौन से है अल्फा और बीटा? तो अल्फा और बीटा का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये किसके बराबर है? ये बराबर होता है, इसका जो फार्मूला है वो है -b/a। यही बात आपने बच्चों ध्यान रखनी है। ax2 + bx + c में शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखना बच्चों कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। अभी हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे, पहले हम शून्यकों का गुणनफल, इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। देखो शून्य कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो इनका गुणनफल यानी अल्फा बीटा यानी अल्फा गुना बीटा, ये किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला है c/a। ध्यान रखना बच्चों, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। c/a, a कौन सा होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे a माना गया, ठीक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फार्मूला है c/a। आइए हम इसका एक उदाहरण भी देखते हैं, उससे उस उदाहरण को देखने से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। देखो ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। हाँ जी देखिए बच्चों, मैंने एक उदाहरण लिया है 7x² + 3x + 4 यदि कोई बहुपद है, और इसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? देखो यहां पे शून्यकों के योग का फार्मूला क्या है? -b/a। तो ये फार्मूला पहले मैं यहां लिख देता हूं, -b/a। अब हम क्या करेंगे, अब -b कैसे ढूंढें? देखो ध्यान से बच्चों, मेरा जो बहुपद है वो है 7x² + 3x + 4, और जो स्टैंडर्ड बहुपद है वो है ax² + bx + c। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन के पास ला रहा हूं। देखो x² बिना x वाली रकम, तो x² के साथ यहां है a, यहां है 7, तो a किसके बराबर आ गया? 7 के। bx 3x, x के साथ जो है गुणांक वो है b, x के साथ जो गुणांक है वो है +3, तो b किसके बराबर आ गया? b किसके बराबर आ गया? 3 के। c + 4, c किसके बराबर आ गया? +4 यानी 4 के। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको? उम्मीद करता हूं इसको आप ध्यान से दोबारा समझ लेना, दोबारा वीडियो देखना फिर समझ आ जाएगा। ax² + bx + c के साथ मैंने अपने बहुपद 7x² + 3x + 4 को मिलाया, तो मैंने देखा x² के साथ है a, x² के साथ है 7, तो a बराबर हो गया 7। x के साथ है b, x के साथ है 3, तो b बराबर हो गया 3। बिना x वाली रकम यहां है c, बिना x वाली रकम यहां है +4, तो c हो गया 4। अब शून्यकों का योग है -b/a, यानी कि -b। अब देखो यहां से देख लो, b किसके बराबर आया? 3/a। a किसके बराबर आया? 7।
इसका मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इस बहुपद के लिए शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस तीन बटा सात के। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए देखे हमने यहां पे अभी फार्मूला क्या सीखा है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो सी किसके बराबर है, देखो अभी मैंने यहां से देखा, आप यहां भी देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी किसके बराबर आया, चार के। यहां भी देखो सी किसके बराबर आया, चार के बटा सी बटा ए। ए कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो रकम होती है वो ए होती है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम ए, तो ए किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है सात, तो ए बराबर है सात, ए बराबर है सात। इसका मतलब मेरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, चार बटा सात के बराबर आ गया। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ऐसे बहुत से प्रश्न आप आगे करने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखकर और समझिएगा कि कैसे हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। मैं एक बार अंत में फिर से आपको ये दोनों फार्मूले रिवाइज करवा देता हूं। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के। इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए और इसे इन फॉर्मूलास को याद कीजिएगा। धन्यवाद।